ओशन मीडिया पर जैन समाज के आप सभी के राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जन करते हैं। आज की शुरुआत रात 8 बजे आपके पास इस चित्र के साथ 27 साल के मोहित जैन पाटनी परिवार पूरा उजड़ गया। आज माता बहुत बुजुर्ग हैं, पिताजी दिव्यांग हैं, कमाने वाले अकेले यही आर के मार्बल्स यानी अशोक पाटनी जी का काम करते थे। युवा बेटी और मंगलवार रात को ऐसे ही बाइक पर जा रहे थे कि उधर से आते राजस्थान रोड की इसकी बस ने बाइक गिरी और चक्के के नीचे सर आ गया। सोच सकते हैं क्या हुआ। कहते यमराज के रूप में दौड़ती बस में एक और फिर यमराज ने यूं ही एक युवा को अपने साथ ले लिया। खबर छप गई, परिवार उजड़ गया। कहते हैं सरकार के पास बस कुछ नहीं है, 5 लाख मुआवजे बस। यमराज के रूप में दौड़ती बसों का यही वसूल करके मिलता है। पूरा पूरा परिवार जिसके लिए कमाने वाला एक होता है उसके नजरों में क्या बचता है, सोचने वाली बात है। बस इसी बात को लेकर आचार्य श्री सुनील सागर जी ने, पहली बार सुन रहे हैं हम ये, अभी तक यहां पर ऐसे पिछले साल में जैन समय 10-12 दुर्घटनाएं हो चुकी है और यही किशनगंज के आसपास की यह दूसरी घटना 3-4 दिन में थी। 5 लाख रुपए ले लो बात खत्म बस। आचार्य सुनील सागर जी के पूरे संघ ने उपवास किया था, उपवास, और फिर उन्होंने उद्बोधन दिया मोहित के बारे में और समाज को जगाने के बारे में। शायद पहली बार हमने सुना किसी को समाज को, सत्ता को, प्रशासन को जगाने वाले एक दिगंबर संत थे और जिनके कारण एक वो मुहिम मिली जो समाज को आज जरूरत थी। सुनिए जरा आचार्य श्री ने अपने उद्बोधन में क्या कहा था, उसका थोड़ा सा अंश आपको सुना देते। अच्छा युवक सेवा भावी, भले मध्यम वर्ग से था लेकिन जितना बनता करता, प्रशासन की लापरवाही, वाहन की लापरवाही, अपने परिवार के लिए तो वो अहम था। एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक साथ 4 कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया, एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा दिया होता। फिर भी क्या कहें, अपन तो अनित्य भावना को भी मानने वाले हैं, संसार की असरणता को भी जानने वाले हैं। बोले जिंदगी भी टेलीफोन एक्सजेंस की तरह है, डायल तो करते हैं जिंदगी के लिए लेकिन कब मौत के यमदूतों के लिए लग जाए। लोग जिंदगी जीने के लिए ही तो कोशिश करते रहते हैं, सारी जद्दोजहद है अच्छा जीने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा खाना पीने के लिए, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है। 2-3 दिन पहले भी एक ऐसी घटना घटी थी, वो भी कोई अग्रवाल जैन है ना, और कल फिर चार लोग तभी एक दिशा में साथ चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। चार लोग तभी एक दिशा में साथ चलते हैं शमशान की तरफ जब 5वां कंधे पर हो, वरना जीते जी तो एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। और ऐसा जहां ऐसा हाल होता है वो इस तरह की लापरवाहियां वहां बहुत होती। इतनी घटना घटने के बाद भी आप शांत रहे, आए गजब की बात, चूंकि हमारे खून में शांति है, लेकिन कभी अन्याय हो तो
तो आवाज भी उठाना पड़ती। तेरे घर में आग लगी है तो मैं क्या करूं, आज हमारे यहां बस यही है। जैन समाज को चेता के एक करने को कहा। धरना शुरू हो गया अस्पताल के सामने, और धरने में कोई जोर शोर नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, ना नारे, बस नमोकार मंत्र का जाप कर रहे थे जैन बंधु। एसडीएम, ईडीएम, पुलिस, डॉक्टर, सब लोग वहां देखकर हैरान थे एक गजब के इस धरने को देखकर। और इसी को देखकर वहां जो विधायक थे उन्होंने भी यह आवाज राजस्थान विधानसभा में उठा ही दी। दोपहर को यह आवाज उठी, वह भी एक क्षण सुन लीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए, मुझे समय देने के लिए। आज हमारे किशनगढ़ में एक गंभीर विषय को लेकर मुझे यहाँ सूचना देनी है। सीधी सूचना, हमारा साथी मोहित जैन जो गत रात्रि रोडवेज से केवल दुर्घटनाग्रस्त नहीं, एक तरीके से उसकी हत्या की गई, और आज सुबह से हमारा पूरा जैन समाज राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल पर लगातार धरना देके बैठा है। लेकिन वहां के प्रशासन, वहां के उपखंड अधिकारियों द्वारा, घटना हुई उपखंड अधिकारियों द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय बड़ाई उनके साथ मतलब ना उनका फोन उठा रहे हैं, और उनका व्यवहार बड़ा ही चिंताजनक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले। और समाज एक हो गया था आचार्य श्री का उद्बोधन सुनकर। अब सब वहां पर थे, एसडीएम अर्चना चौधरी जी परेशान, उनके डिप्टी महिपाल चौधरी जी परेशान, दौड़ते दौड़ते आए आचार्य श्री के पास, और दिगंबर संत आचार्य श्री उपवास और सबके सामायिक में लग गए ध्यान। एक घंटे दो घंटे इंतजार करना पड़ा सामायिक ध्यान के बाद। आचार्य श्री ने बुलाया, समझाया, कहते हमारे कानून की दृष्टि से हम 5 लाख से ऊपर नहीं दे सकते। आचार्य श्री, क्या एक परिवार उजड़ गया है, कमाने वाला है एक है, और तुम कहते हो 5 लेके उस यमराज रूपी बसों को बस यही दौड़ाते रहोगे। ऐसे यहां से 2 दिन पहले हुए थे ऐसी घटने, बाद क्यों नहीं इस बारे में कुछ कोशिश करते हो, तुम्हें प्रयास करना होगा। समझाया उन्हें, उधर समाज को समझाया। एक बार आचार्य श्री ने इसकी अपने पास नेतृत्व ले लिया समझौते का, और देखा कैसे होते हैं दिगंबर संत। कुछ नहीं लेना उन्हें, लेकिन समाज को एक कर दिया, और मुआवजे को बढ़ाते बढ़ाते 40 लाख से 50 लाख के बीच में कर लिया। अशोक पाटनी जी ने, जिनके अभी लड़का काम करता था, उन्होंने भी तुरंत कहा 10 लाख तो मैं दूंगा, और इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा मैं उठाऊंगा। यह आश्वासन मिला, समझौते के बारे में आचार्य श्री ने समझाया, और उसके बाद अर्चना चौधरी एसडीएम, डिप्टी महिपाल चौधरी पहुंच गए उस स्थल के ऊपर जहां नमोकार मंत्र का जाप लेके धरना चल रहा था, और फिर जाके उन्होंने आचार्य श्री बात को वहां सबसे कहा। सुनिए जरा, वहां पर अपने जैन समाज अध्यक्ष विनोद पाटनी जी भी मौजूद थे। उपखंड प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस तहसीलदार साहब, सब मिलके अभी महाराज जी से आशीर्वाद लेके आए हैं, और महाराज जी के आदेश अनुसार पीड़ित परिवार की जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है उसका हमने महाराज जी को आश्वासन दिया है, और महाराज जी ने यही कहा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप मदद कर सकते हैं और जितनी जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कर सकते हैं आप कार्रवाई करवाइए, और इसमें लोकल भामाशाहों की भी मदद ली जा रही है। ज्यादा डिटेल में डिप्टी साहब, ये जो सरकार की योजनाएं हैं जिसमें जो एलिजिबल है वो तो मिल ही रहा है, 5 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से मिलेंगे, 10 लाख रुपए आर के मार्बल की तरफ से होंगे, और कुछ लोकल भामाशाह है जिन्होंने हमसे संपर्क किया है, जिनको विस्तृत आपको उठावने तक वो खुद ही आकर के वहां संपर्क कर लेंगे। ऐसे मिलाकर के सारी सरकारी गैर सरकारी मिलकर के करीब बच्चों की पढ़ाई का भी आर के मार्बल की तरफ से होगा। ये सारा मिलकर के सरकारी गैर सरकारी मिलकर के करीब 40 से 50 लाख करीब हो जाएगा। ये उठावने तक आपको इम्प्लीमेंट कर देंगे सारे लोग मिलकर के, और आप सबसे निवेदन है कि अब पीड़ित परिवार की स्थिति और उनके परिजनों की स्थिति को देखते हुए हमें मेडिकल संबंधी जो फॉर्मेलिटीज है वो करके, और अनुसंधान में और सहायता में जो फॉर्मेलिटीज होती है उसमें भी हमारे बंदे लगा करके हम गाइड कर देंगे, और किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। ताकि छोटी छोटी चीजें होती है, इसमें कई टेक्निकल चीजें हैं, जो छोटे बच्चे हैं और उनके गार्जियन सीधे दादा दादी है, लिहाजा वो सारी चीजें हम
हमने महाराष्ट्र को भी हमारी ओर से निवेदन करके परिस्थिति बताई और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ावे, इससे बेहतर ही होगा। ये मेरा यहाँ के पुलिस और प्रशासन के साथ साथ, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ के संप्रांत नागरिकों से वाकिफ हूँ, बातचीत हो रही है, आप सोच नहीं सकते ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा। किसी भी कंडीशन में 40 प्लस तो है ही है, ये 50 से भी ऊपर जाएगा जहां तक मुझे लगता है। आचार्य सुनील सागर जी महाराज के आदेश जो सब ने सहयोग किया है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारा समाज ने जो सहयोग किया इस मामले में सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आचार्य महाराज के आदेश अनुसार अब आगे उसका जो अंतिम क्रिया है और उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई उसका कराई शाम हो रही है तो उसका भाई हाँ तो उसका टाइम 4 बजे का वहाँ से उठाने का रखा है। हाँ तो वहाँ पर सभी पधारी और इसको आंदोलन को हम वापस लेते हैं। आप सब लोगों ने सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज ही आपको विशेष रूप से जानबूझकर भी दिखाया था समाज को एक होने का संदेश देने के लिए, ये कहते हैं आचार्य संघ में आचार्य सुनील सागर जी ने वो कर दिखाया जो आज तक जैन समाज में छिन्न भिन्न था। उन्होंने सही कहा था कि 4 जैन समाज वाले एक एक दिशा में तभी चल पाते हैं जब कहते हैं कंधे पे 5वां होता है। गलत नहीं कहा था उन्होंने, सही कहा था कि उस 5वें को बजाए उन्हें 4 को एक दिशा में चलते हैं तो कुछ ना कुछ हमें मिलता है, हासिल करते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है, कहते हैं कि राजस्थान सत्ता के अंदर इस सरकार ने ऐसे मुआवजे की घोषणा की है। अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान में ऐसी घटना नहीं मिली कि समाज वाले भी जाकर इस तरीके से धरने की बात कर ले। कहते हैं जब हमें संत कोई नेतृत्व देते हैं, समझाते हैं तो समाज का हमेशा अच्छा ही होता है। देखा आपने, यही घटना थी जो आचार्य जी ने झगड़े फसाद को छोड़कर समाज की ओर से उस घर को उचित मुआवजा दिला दिया। दरवाजे कौन से थे इससे मतलब नहीं, पेड़ कौन सा था मतलब नहीं, पर फल गिनने थे वह फल। कहते हैं एक उचित मुआवजा उस परिवार को मिल गया जिसने, कहते हैं ये बहुत बड़ी उनके साथ प्राकृतिक नहीं यमराज रूपी पस से यह उनसे एक त्रासदी हुई। चैनल महालक्ष्मी सांदे महालक्ष्मी उन युवा के प्रति हार्दिक विनयांजलि प्रवीण करता है। रोज की तरह आज भी आपको एक चतुर्मास स्थापना के दृश्य दिखाएंगे। आज मध्य प्रदेश के शाहपुरा भिटौनी ले जाएंगे आपको, जहां पर नियापक्षमण अभय सागर जी मुनिराज के इस चतुर्मास स्थान 28 जुलाई को हुए थे, वह दृश्य आज आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न रूपों में चित्रों से कैद करके, चित्रों से आपके सामने, कहते हैं इन नेत्रों से जब देखते हैं तो इनको हम कैद के अंदर रख लेते हैं यादगार रूप में। मात्र चतुर्मास की स्थापना नहीं होती, ये अपने ज्ञान गंगा के प्रकाश के लिए एक वह धारा गंगा के रुक जाती है जिसको कहते हैं अब अंदर समाहित करना होता है ज्ञान अर्जन के लिए। दृश्य है ये शाहपुरा भिटौनी मध्य प्रदेश से नियापक्षमण अभय सागर जी के 2024 के वर्षा योग स्थापना के रविवार के 28 जुलाई के। और जाते जाते आपको पालीताना से इस महोत्सव के कुछ दृश्य दिखाते हैं आपको। गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के यह जन्मोत्सव अनुकंपा दिवस के आप दृश्य देख रहे हैं सीधा पालीताना से। अपने गुरुओं के जन्म यानी अवतरण दिवस, दीक्षा दिवस, आचार्य दिवस, इन दिवसों को लोग याद करते हैं, भक्ति में ओतप्रोत होते हैं, गुणगान करते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान से मिलाने वाले, जिन वाणी को सुनाने वाले गुरु ही तो होते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। बस हमें आप खबरें भेजते रहिए, प्रयास करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी हर समय देते रहे।